आप अपना मकान 2 करोड़ में बेच दीजिए। आइयो 4 करोड़ का वैल्यू वसूली भैया, हमारा टोटल लॉस जी। अरे पूरे कुन्नूर में ये खबर फैल चुकी है कि आपके घर में भूत का साया है। वो तो मेरा बड़प्पन है कि मैं आपको 2 करोड़ का ऑफर दे रहा हूँ। वैसे भी आपका मतलब तो सिर्फ अय्याशी करने से है ना। पास ही एक बंगलो खाली है जिसका रेट पल पल बढ़ता जा रहा है। 3 करोड़। कितना जी? 3 करोड़ 10 लाख। आइयो 2 सेकंड में 10 लाख। अरे बोला ना पल पल बढ़ रहा है। तो डन करते थे डील। ओके स्वीटी एड्रेस चेंज है। बॉयज इजाज इजाज। बस रे ये रहे तुम्हारे पैसे। थैंक यू। अच्छा एक बात बता माधव, सालो ऐसी कौन सी चीज है जिससे लोग यकीन करने पर मजबूर हो जाते हैं कि सचमुच में भूत है? सिंपल लॉजिक है वसूली भाई, इंसान है तो डर है, डर है तो अंधविश्वास है, और अगर अंधविश्वास है तो भूत है। हाँ, और अगर भूत है तो भूतनी है, सांबर है तो चटनी है, ज्यादा फैलोगे तो पैंट फटनी है। शट अप यार, ये लो। ओ डोनेशन, जमुना दास अनाथ आश्रम। वसूली भाई लोग अपना पहला प्यार नहीं भूलते, हम लोग अपना पहला घर कैसे भूल सकते हैं। हाँ। अरे वो घर से याद आया, अरे वो स्वामी के प्लॉट का क्या हुआ जिसमें कोई कब्जा करके बैठा है? अरे यार वो तुम्हारे बचपन के दोस्त है ना गोपाल और लक्ष्मण, वो प्लॉट तो उन लोगों ने बबली के साथ मिलके कब का खाली करवा लिया। बचपन के दोस्त? साला ऐसे दोस्त है ना 100 दुश्मन अच्छे। ए माधव, ये गोपाल ना हमारा बना बना काम बिगाड़ देता है। इसका करना क्या है? जब कोई स्ट्रॉन्ग आदमी फैल जाता ना तो उसकी वीक पॉइंट को दबा देना चाहिए। यस। हाँ, डर, अंधेरा, भूख।